अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से ये खबर है, प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण की आज से शुरुआत। जेडीए की ओर से लगाया गया नियमन शिविर, शेखावत कॉलोनी का लगाया गया नियमन शिविर। जेडीए आयुक्त रवि जैन ने किया शिविर का निरीक्षण। इस दौरान जैन ने भूखंड धारियों को पट्टे भी दिए। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज हो चुका है। एक बार फिर से शासन सचिव जोकाराम, ग्रेटर कमिश्नर महेंद्र सोनी इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। दुर्गापुरा में लगे प्रशासन शहरों के संग शिविर का अवलोकन कर रहे हैं अधिकारी। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी शिविर में मौजूद है। आज से शुरू हुआ है प्रशासन शहरों के संग अभियान का यह तीसरे चरण का आगाज हुआ और उसके बाद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण कर रहे हैं शासन सचिव जोकाराम, ग्रेटर कमिश्नर महेंद्र सोनी। और चलिए समाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आज तीसरा चरण है प्रशासन शहरों के संग अभियान का, जिसका आगाज हुआ है, उसके बाद निरीक्षण कर रहे हैं फिलहाल अधिकारी, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल श्वेता, प्रशासन शहरों के संग अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज से इस प्रशासन शहरों संग अभियान का तीसरा चरण है वो शुरू हुआ है। इसी के तहत ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र दुर्गापुरा इलाके में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर लगा, जिसका निरीक्षण करने के लिए जो शासन सचिव है जोगाराम यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ साथ जो ग्रेटर के कमिश्नर है महेंद्र सोनी वो यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजों की जानकारी है वो यहाँ पर आयुक्त और शासन सचिव यहाँ पर जुटा रहे हैं। कितने पट्टे फिलहाल वितरित किए जा रहे हैं, कितने प्रोसेस में है, और अगर कोई पट्टा वितरित नहीं किया जा रहा तो उसमें किस प्रकार की समस्या आ रही है। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर जनता यहाँ पर पहुंची है, उनको पट्टे समय पर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, किस तरह की अड़चन आ रही है, तो उनको भी यहाँ पर सुना जाएगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब जो शिविर लग रहा था उस शिविर में यहाँ पर दोनों पहुंचे हैं और आम जो जनता है जिनको जो परेशानी हो रही है उनकी सुनवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभियान का जो मुख्य उद्देश्य वह यही है कि आम जनता को जो लंबे अरसे से अपने पट्टे के लिए काफी दिनों तक भटकते रहे, उनको आसानी से पट्टा है वो मुहैया कराया जाए। कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी अभियान को लेकर मीटिंग की थी जिसमें जल्द से जल्द पट्टा आवंटित करने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए थे। मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ये तक कहा था कि पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि आज देखिए शासन सचिव सहित जो ग्रेटर कमिश्नर हैं महेंद्र सोनी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आम जनता की सुनवाई है वो शिविरों में की जा रही है। यानी कि जिस अभियान का जो ध्येय है आम जनता को शिविरों के माध्यम से उन्हीं के इलाके में पट्टे वितरित किए जाए, तो उसी का निर्वहन करते हुए दोनों अधिकारी हैं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और लगातार हर चीजों की जानकारी है वो अधिकारियों से यहाँ से दी जा रही है कि कितने पट्टे आज वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा चरण है, दो चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं और आज तीसरे चरण का जो शुभारंभ है 15 जुलाई से शुरू हुआ है। श्वेता, तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दोनों अधिकारी मंच पर यहाँ पर बैठे हैं, अब जनता से वन टू वन संवाद है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।